हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी में मानव रक्त या ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त या ब्लड। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। और रक्त प्राकृतिक कुलाइट प्रकृति का होता है। हमारे शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में 0.5 लीटर कम रक्त पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। हमारे शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा या ब्रोन मैरो में होता है और जब भ्रूण अवस्था होती है तब रक्त का निर्माण लीवर में होता है। हमारे शरीर में रक्त का संचय कहाँ होता है? प्लीहा में, जिस कारण प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है और रक्त के अणुओं की मृत्यु प्लीहा में ही हो जाती है। इस कारण प्लीहा को ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। हमारे शरीर में रक्त का संचय कहाँ होता है? प्लीहा में, और रक्त के अणुओं की मृत्यु प्लीहा में ही हो जाती है। यह सभी पॉइंट आपको रक्त के बारे में याद रखना है। हमारे शरीर के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन 13 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। पुरुषों के शरीर में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और स्त्रियों के शरीर में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यह पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। रक्त परितंत्र संच की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अब हम रक्त के कार्यों को देखेंगे। रक्त शरीर के ताप का नियंत्रण करता है और शरीर की रोगों से रक्षा करता है। यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन्स का संवहन करता है। यह थी रक्त के कार्य। अब हम रक्त के कंपोजिशन या अवयवों को देखेंगे कि रक्त किन किन चीजों से मिलकर बना है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु या ब्लड कॉर्पल्स। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। ब्लड कॉर्पल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक है लाल रक्त कण, दूसरा है श्वेत रक्त कण और तीसरा है रक्त बिंबाणु। रक्त सामान्यता 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड कॉर्पल्स में 3 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, एक है रेड ब्लड कॉर्पल्स, एक है व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। इन सभी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा रक्त का 55 से 60% भाग होता है। कहीं कहीं आपको 55 मिलेगा और कहीं कहीं 60। इस कारण यह दोनों आपको याद रखना है। प्लाज्मा में 90% जल, 60% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। हमारी रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटा दिया जाता है तब बचे हुए पदार्थ को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटाने पर बचे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? सीरम। प्लाज्मा का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन और शरीर के हार्मोन्स का संवहन करना है। यह सभी पॉइंट आपको प्लाज्मा के बारे में याद रखना है। अब हम रुधिराणु या ब्लड कॉर्पल्स के बारे में जानेंगे। ब्लड कॉर्पल्स रक्त का 40 से 45% भाग होता है।
और यह लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और रक्त बिंबाणु से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले हम लाल रक्त कण या रेड ब्लड कॉर्पल्स को जानेंगे। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण अस्थि मज्जा या ब्रोन मैरो में होता है और आरबीसी की मृत्यु लीवर व प्लीहा में हो जाती है। प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु के कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को। आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन। और इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में हेमेटिन नामक आयरन पदार्थ पाया जाता है। आरबीसी के निर्माण में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल महत्वपूर्ण होते हैं। आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापा जाता है और आरबीसी कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। यह सभी पॉइंट आपको आरबीसी के बारे में याद रखना है। आरबीसी का आकार उभयोत्तल होता है। आरबीसी का आकार किस प्रकार का होता है? उभयोत्तल। आरबीसी की कमी से एनीमिया और पीलिया रोग हो जाता है। हमारे शरीर में जब आरबीसी की कमी होती है तब हमें एनीमिया और पीलिया रोग हो जाता है और इसका मुख्य कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है। यह थे आरबीसी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम WBC या श्वेत रक्त कण के बारे में पढ़ेंगे। WBC का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट है। WBC को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु मानव रक्त में ही हो जाती है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु मानव रक्त में ही हो जाती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और इसका आकार अनियमित होता है। WBC में केंद्रक उपस्थित होता है जबकि RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना, जीवाणुओं का भक्षण करना और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करना है। WBC में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य शरीर की बीमारियों से रक्षा करना है और मोनोसाइट का मुख्य कार्य घाव को भरने में सहायता करना है। WBC में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाए जाते हैं। इसकी कमी से HIV और कैंसर का संक्रमण बढ़ जाता है। जब WBC की कमी हो जाती है तब हमारे शरीर में HIV और कैंसर का संक्रमण बढ़ जाता है। अब हम रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा या स्प्लीन में हो जाती है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन होता है? 3 से 5 दिन। और इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। डेंगू के कारण हमारी शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब डेंगू होता है तब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यह सभी पॉइंट आपको रक्त के बारे में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।